हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है भिंडी। हम भिंडी का देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले सॉइल कंपोजिशन के बारे में। सॉइल का जो कंपोजिशन होना चाहिए वो 50% कोई भी नॉर्मल सॉइल जो आपके आसपास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें, और उसमें बाकी का जो 50% है उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स कर दे ताकि मिट्टी थोड़ा लाइट बनी रहे। कूकपीट पाउडर अगर आपके पास है, नारियल के छिलके का पाउडर, तो उसका आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ गोबर की खाद बहुत ही ज़रूरी है, वो आप डालें। और जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट अदरवाइज जो सूखे पत्ते होते हैं आसपास, उन्हें आप कलेक्ट करें। वो बेस्ट खाद है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, तो वो उसका आप इस्तेमाल करें। नीम की खली आप ज़रूर मिक्स करें ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लांट को ना हो, मतलब मिट्टी से इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आप या तो हल्दी का 1 चम्मच डाल दें, टर्मरिक पाउडर, अदरवाइज़ नीम खली अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका आप इस्तेमाल करें। और एंटी फंगल पाउडर अगर आपके पास है तो थोड़ा सा वो भी इस्तेमाल करें। तो ये थी सॉइल कंपोजिशन की बात, सॉइल की बात हो गई। अब बात है ग्रोथ। इसका जो मंथ होता है, ग्रोइंग जो सीज़न होता है वो जनवरी से लेकर के अगस्त तक होता है। बट इसमें जो सीड लगाते हैं उसका जो टाइमिंग होता है आपका फरवरी से होता है, या आप जनवरी से ले लीजिए जून तक होता है। जब आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट है, उसमें जब टेम्परेचर अगर 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो आप जर्मिनेट कर सकते हैं। कोई भी जर्मिनेटिंग पॉट या ट्रे आप ले लीजिए, 1 इंच गहरा होना चाहिए, उसमें आप सीड लगा दीजिए। और जैसे ही वो जर्मिनेट हो जाता है 10 दिन में या 15 दिन में, वो टाइम लेता है। इसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसे आप ऐसे जगह पे उसे शिफ्ट कीजिए, ट्रांसप्लांट कीजिए, जहाँ पे प्रॉपर उसे मिट्टी में न्यूट्रिशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। और सनलाइट का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि एटलीस्ट 5 टू 6 आवर्स का सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट है तो इसे सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आप पानी ज़रूर मेंटेन रखें मिट्टी में, जो मॉइस्चर है मिट्टी का वो आपने मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो आपने बैलेंस करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। एवरीडे आपको पानी डालना है, क्योंकि समर सीज़न है तो ऑब्वियसली पानी तो ज़्यादा लगेगा ही, तो एवरीडे आपने पानी डालना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा भी नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आपने ध्यान रखा है। जैसे ही भिंडी ग्रो होती है, अगर 3 इंच का हो जाता है तो आपने उसे तोड़ लेना है, नहीं तो वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, उसमें फिर सीड बनना शुरू हो जाएगा। और मैं बात करूँ अगर इसमें कोई इन्फेक्शन लग जाती है, हाँ इसमें एफिड्स की इन्फेक्शन लगती है। वैसे तो ये समर ग्रोइंग प्लांट है तो इसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम है, बट फिर भी एफिड्स का अटैक हो जाता है इस पर अदर इंसेक्ट्स के द्वारा। जैसे पॉलिनेशन के लिए हमें इंसेक्ट की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ इंसेक्ट आकर के इन्फेक्ट भी कर देते हैं हमारे प्लांट को। लीफ कर्ल होने लगता है और लीफ के पीछे एफिड्स का अटैक आप देखते हैं, वो हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सोपी वाटर का आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा नीम ऑयल का आप स्प्रे करें, तो उससे क्या होगा कि ये जो छोटी मोटी परेशानी है जो इन्फेक्शन का, वो इससे आप रिलैक्स हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो भिंडी मैं तोड़ रही हूँ, तो आपको जर्मिनेटिंग के बाद प्लांट ग्रोथ होता है, आपको 45 डेज़ में या 2 मंथ्स में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे भिंडी ग्रोथ होते हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, आपने हर 15-20 दिन में आपको ये खाद डालनी है प्लांट के आसपास, वर्मी कंपोस्ट। आप गोबर की खाद ऐड करें या घर के बने जो कंपोस्ट हैं, होममेड कंपोस्ट जो है, जो घर में हम किचन से जो छिलके निकलते हैं फ्रूट के या वेजिटेबल्स से, उनका जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेस्ट है। तो हर 15 दिन में 20 दिन में अगर आप खाद डाल रहे हैं, नेचुरल खाद डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं प्लांट में, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत फ्लावरिंग करेगा। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होंगे तो बहुत सारे फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो आपने मेंटेन रखनी है। वो आप गोबर की खाद से मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट है, जो घर के होममेड खाद है, तो वो इसके लिए बेहतर रोल अदा करेंगे। लेकिन जो बाहर के सिंथेटिक या केमिकल वाला जो खाद होता है, मेरे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो अवॉइड करें, क्योंकि आर्टिफिशियल खाद यूज़ करने से आपको इंस्टेंट तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, बट उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट आपके प्लांट के ग्रोथ पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं मिट्टी की क्वालिटी पे पड़ता है, जो आपको बाद में जाके पता चलता है। तो जहाँ तक हो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, और घर में ऑर्गेनिक भिंडी उगाएँ और खाएँ, और अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करें।
आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल का ग्रोथ हो सके, हम ज़्यादा देर तक आपके साथ रह सके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, भिंडी उगाना कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, हम छत पे भी इसे गमले में भी उगा सकते हैं। बट अगर मीडियम साइज़ का गमला है तो उसमें एक ही भिंडी का पौधा लगाएं, अगर बड़े साइज़ का है तो आप दो भिंडी का प्लांट लगाएं, फ़र्क इतना ही है। अगर एक भी प्लांट का अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो काफ़ी वो भिंडी देगा। बस आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन मेंटेन रहना चाहिए ताकि वो लीफ डेवलप करने के साथ साथ वो फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि ज़्यादा फ्लावरिंग होगा तो फ्रूट भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।